होटल का डबल उठा के यार देखो पक्का रोकेंगे आपको नीचे ना, ये होटल का डबल पैसे पूरा कर। हाँ भाई तूने क्या उठाया इसने ना, ये मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है। जयपुर चमत्कार देखो भाई, लोगों ने तो यहाँ पे रोड पे ही तंबू लगा दिए हैं कि जाम तो खुलेगा नहीं, कम से कम खाना तो खाएं। वो भी रहा है सारी रोड पे ही है, मशीनें लगी हुई हैं ठीक करने, तो टाइम लग रहा है। 7 बजे बैठे हैं सुबह से, पूरा हाल हो गया। 2:30 बज गए टाइम देखो कब खुलेगा यार ये मुश्किल है। अब पुलिस वाले स्टेटमेंट मेरे को दिए कि 5 बजे खुल जाएगा। गाड़ियाँ निकलने भी शुरू हो गई गाइस, देखो 2 गाड़ियाँ गई हैं अभी तक, पत्थर गिरने से शुरू हो गए हैं, गाड़ी बाल बाल बची है। और वो इस दूसरे रूम में चलते हैं तो देखते हैं, वो रेडी हो चुके हैं, रेडी तो हो गए थे वो, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं वो भी। टाइम आ गया है चेकआउट करने का, इनके देखो टावल नहीं सही हो रहा है। ये टावल होटल का टावल उठा के गया, देखो पक्का रोकेंगे आपको नीचे ना, ये होटल का टावल लिएगा। पैसे पूरे कर रहे हैं ठीक है, पैसे पूरे कर रहे हो। हाँ भाई तूने क्या उठाया इसने ना, ये मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है, ये मैट उठा के लेके आएगा। शैम्पू साबुन सॉप शैम्पू एंड व्हाटएवर जो भी था सब उठा लिया उसने, इसका बैग से सब भाई पैसे दिए हैं और सब उठा लिया। और डॉक्टर साहब ने टॉवल उठा लिया, ये इसको उठाने की सोच रहा है। चेकआउट हम कर रहे हैं और गाइस जैसे ही हम निकलने वाले थे होटल से तो हमें पता चला 1.5 किलोमीटर आगे जाम लगा हुआ, रोड टूट गया, जिसके कारण हम यहीं पे रुक रहे हैं अभी। और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है पूरे दिन में। और फाइनली हम थोड़े आगे की तरफ जाते हुए है तो वैसे जाम ही लगा हुआ आगे काफ़ी देर से, 2 घंटे बैठे थे और जाम में फंसे हुए। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए भाई, 4 घंटे 4 घंटे होने वाले हैं। इंट्रोड्यूस कराओ सबको पहले, सबका नाम तो बताया नहीं आपने इसमें। डॉक्टर गुलाटी मशहूर पढ़ने गुलाटी चमत्कार लगी, पीछे गाड़ी वाले को बाय कर दो, फंसने वाला है वो भी जाम में फंसने वाला है। अभी पास आएगा फिर बाय करो, आ गया वो पीछे रुक गया बस तो वाले नीचे गाड़ी ले गए भाई। टेंशन मत लो, जाम देखो गाइस कितना लगा हुआ है, सेफ्टी इंजीनियर था मस्त है, आगे 1 किलोमीटर तक भूस्खलन हो चुका है। भूस्खलन की वजह से ये इतना ज़्यादा गाड़ियों का जो है वो जाम लग चुका है, इसको खुलने में काफ़ी समय लग सकता है। और ये है हमारे जयपाल, अब आगे की बात ये बताएंगे। बहुत जाम है भाई। अपना नाम? जयपाल चमत्कार दिग्विजय, आपने उधर पंगा डाला ना, कितना रखा है ये तो डिलीट करे पागल है। 8:30 बजे है, अब देखते हैं कितना टाइम है, पीछे जाम जाम होता जा रहा है, देखो पीछे जाम जाम होता है, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। देखो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम लगा है, वो टाइम आ गया है जब मैं आगे जाऊँगा, वो टाइम वेट कर लिया हमने गाड़ी में, तो बाकी जाके देखते हैं क्या हुआ है। कुछ कहना चाहोगे? चपुन बाबा कांडा लगा जी, बहुत अच्छा बोला है, समझ नहीं आया बट ठीक है। भाई साहब रेनकोट किसका पाया तुमने? जिनका रेनकोट था उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, तो भैया मैं आता हूँ बस। नहीं नहीं तो रेनकोट कैसे ले गया आपने? आपने बोला कुछ बोलो, मैं तो बोलने वाला था, रेनकोट तो मेरा ही है। अच्छा भैया 2 मिनट 2 मिनट कैसे यार, आराम भीग रहे हैं यार, तब उसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा भीग रहा है। अच्छा आया भैया 2 मिनट जाओ जाओ। रेनकोट वाले भैया ने पकड़ लिया था हमें, देखते हैं कितना जाम लगाया आगे, टाइम दिखाता हूँ वो कितना हो गया हमें। तेरी 12 बज गए पूरे, जाम अभी तक नहीं भरा है, जाम लगाया सुबह 6 बजे से जाम लगा हुआ है, 6 घंटे हो गए, देखते हैं कि दिक्कत क्या आई है। देखो भाई लोगों ने तो यहाँ पे रोड पे ही तंबू लगा दिए हैं कि जाम तो खुलेगा नहीं, कम से कम खाना तो खाएं, बहुत तगड़ा जाम है यहाँ का, मेरे को लगता है बहुत बड़ा पहाड़ गया है। आर्मी के तक भी आए हुए हैं यहाँ पे, लोग आर्मी वाले घूम रहे हैं। ये
वो देखो इस वो चल रहा है जाम रोड पे, सही कर रहे हैं। और तेरी रोड ही गया तो वो भी रहा है, सारी रोड गई है, मशीनें लगी हुई हैं ठीक करने, टाइम लग रहा है। और ये खड़ा है रावत, बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पे तो वेट कर रहे हैं। मैं अपनी कार की तरफ आ गया हूँ दोबारा से, अब बैठते हैं गाड़ी में, और तो कुछ कर नहीं सकते, चार पाँच घंटे लगेंगे अभी भी। अब पीछे ही लोग आगे आना शुरू हो गए वेट वगैरह, सुबह से लेके अभी तक 7.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक रोड क्लोज है, अभी तक रोड खुला नहीं है। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ दोबारा फिर से, क्योंकि मेरा दोस्त एक आगे गया हुआ है। खाने पीने की सुविधा की जा रही है, बिस्किट वगैरह और पानी वगैरह दे रहे हैं सबको, क्योंकि कोई आसपास कुछ नहीं है यहाँ पे, पानी बोतल और बिस्किट मिल रहे हैं। थक हार के मैं आ गया हूँ पीछे रावत जी के पास, ये ऊपर बैठे हैं पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, देखो हम यहाँ से देख रहे हैं एक नज़ारा। 7 बजे से बैठे हैं सुबह से, पूरा हाल हो गया, 2:30 बज गए टाइम, देखो कब खुलेगा यार ये मुश्किल है। अब पुलिस वाले ने स्टेटमेंट मेरे को दिए कि 5 बजे खुल जाएगा, इवनिंग में पुलिस वाले को बोल रहा हूँ जाम खुलने का तो नाम नहीं ले रहे। अब हमने सोचा है कुछ खाना बना ले अपने लिए, भूख से मर जाएंगे। रास्ता खुल गया देखो गाइस, और हमने चूल्हा भी रख लिया था, बट कोई बात नहीं, तो वो देखो रास्ते से जा रहे हैं बंदे, और इनकी बदौलत रास्ता खुल पाया है, इन्होंने अपने दांतों से पत्थर खींचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और शेफ साहब ने सामान रख दिया था बनने के लिए, तो हम खा कर ही जाएंगे खाना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मैं ही जिम्मेदार एक नागरिक हूँ उनमें। ये लोग उधर से आ रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं उधर से आते हुए लोग, कितनी खुशी है इनके चेहरों पर। 3:45 बजे हैं अभी, जाके खुल रहा है। गाड़ियाँ निकलने भी शुरू हो गई गाइस, देखो 2 गाड़ियाँ गई हैं अभी तक, अरे चलेगी सेफली चलेगी, पर शुक्र है भोलेनाथ का। अब ये धीरे धीरे जाम खुलना शुरू होगा, पत्थर गिरने फिर से शुरू हो गए हैं, गाड़ी बाल बाल बची है, रिवर्स आ रही हैं गाड़ियाँ। काफ़ी हद तक मैंने और अजय ने कुकिंग कर दी है, बच्चों को दे दो, मैंने और अजय ने काफी काम किया है और काफी अच्छी कुकिंग की है। ये इन कुत्तों ने कुछ काम नहीं किया, ये देखो अभी गाड़े गाड़े अभी नहीं बनाए, प्लेट लेके पहले आ गए, देखो चम्मच प्लेट गाइस काफी ज्यादा टेस्टी बनी है। गुरु जी हम आपकी शरण में आए हैं, गुरु जी हमें दान दक्षिणा दीजिए। ये वो पहाड़ था जल गया। ये देखो ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो कितनी ज्यादा हो रखी है, ये पर्वत गिर रहा था बार बार, वो तेरी यहाँ पे भी काफी ज्यादा हो रखी है लैंडस्लाइडिंग, बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए हैं, फिर तो काफी रास्ता खराब था। गाइस जाम देखो कितना लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। और गाइस 1/2 किलोमीटर चले थे अभी, और फिर से जाम में फंस चुके हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है आज। अभी खड़े हैं देख रहे हैं, देखो मुझे फिर से भीड़ लगी है मुझे पीछे। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, थारी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, थारी देवी माता मंदिर पीछे जा रहे हैं, टाइम से हम थोड़ा लेट हैं पर कोई बात नहीं। दर्शन हमारे हो चुके हैं बहुत अच्छे, सो अभी चलते हैं आगे की ओर, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट हो रखे हैं पहले जाने के लिए, अगली बार हमें पहुँचना है रात को, फिर चंडीगढ़ भी पहुँचना है, सुबह तक पहुँचेंगे हम चंडीगढ़, देखते हैं बाकी।
और गाइस इसी के पास में ब्रिज बना हुआ है जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इससे पार करके लोग उस गांव तक जाते हैं, वो देखो वो गांव है एक, उस गांव के लोग इसी ब्रिज से पार होकर जाते हैं। और सामने माता का मंदिर है और ऊपर रही है रोड जहाँ में हमारी गाड़ी खड़ी है। वैसे ही इस ब्रिज पे घूमने आए थे, फोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे और देन गाड़ी की तरफ चलते हैं। और ये मंदिर देखो अपना, ये बिल्कुल ही पानी के बीचों बीच खड़ा है। और देखो इसकी जो ये है ना कमले वगैरह हैं जो इसकी, वो बिल्कुल पानी के अंदर है। पता नहीं कितने गहरे होंगे बट चमत्कार ही है कि वैसे ना इसे पानी के ऊपर इतना टाइम खड़े रहना और 24 घंटे पानी चल रही ना उसके आसपास। होगी फोटो वगैरह बढ़िया। हाँ रावत जी रील बना रहे हैं काफ़ी अच्छी, उन्होंने जहाँ जहाँ हम गए हैं आज जहाँ रील बनाई है। और जाने से पहले हम कर रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग, यहाँ की मार्केट है देख सकते हो। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम में, तो अभी हम देखें यहाँ से व्यू। सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो इस कारण हम रात में पहुंचे हैं अभी, तो खास अच्छे से मुश्किल ही है हमें तो विजिबल हो रहा है, देखता हूँ वीडियो में या फोटो में आएगा नहीं। तो ये है देवप्रयाग संगम, एक इधर से है गंगा और एक उधर से आ रही है, तो यहाँ पर आके इन दो नदियों का संगम होता है जिसको बोलते हैं हम देवप्रयाग संगम। वहाँ पर बनाया मंदिर छोटा सा। फाइनली अजू भाई ने हमें पहुंचा दिया है, तो थैंक यू यार भाई, बहुत बहुत आपका एक भाई और सफर सफर नहीं लगे हमें भाई भी थे। थैंक यू यार भाई आपका भी, थैंक यू यार। फाइनली हम बस मिल गई है जाने के लिए, यही है शायद हमारी बस। हाँ सात दिनों के बाद हम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। देखो कितनी खूबसूरत सी जगह है, फाइनली मैं घर पे पहुंच गया था। सो अभी मैं नहा भी लिया हूँ, थोड़ा कुछ काम करने वाला हूँ। सो आज कल लोग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि अगला दिन हो गया है देखो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।